हाय गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग हिंदी टेक वर्ल्ड। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने इसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक पेट्रोल स्कूटी और एक इलेक्ट्रिक स्कूटी, अगर आपने 2 साल 3 महीने पहले अगर कोई पेट्रोल गाड़ी लिया होगा और उसी टाइम अगर आपने इलेक्ट्रिक स्कूटी लिया होगा, तो आप कितना पैसे की आप बचत आपने अभी तक की है। तो मैं आपको ये जो कैलकुलेशन बताऊँगा, पूरा ग्राउंड कैलकुलेशन है कि जब से मैंने लिया तब से अगर मैं कंपेयर करूं पेट्रोल वाली स्कूटी से, तो मैं कितना जो मनी है वह सेव कर पाया हूं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने पेपर पे पहले लाया हूं, लिख के लाया हूं कि भाई मैंने कितना कितना किलोमीटर चला है, कितना यूनिट का प्राइस है, वो सब पूरा इसमें मैंने एक कैलकुलेशन डाटा इसमें बना रखा है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रिक गाड़ी की, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है मेरे पास ओकिनावा प्रेज है, ये लेड एसिड वाला इसका वेरिएंट है। तो 2 साल 3 महीने में मैंने अप्रोक्स 3 इसकी पेड सर्विसेज मैंने करवा रखी है। तो अप्रोक्स जो पेड सर्विस का प्राइस है वो अप्रोक्स 300 रुपये है। तो 300 × 9 आपका हो गया 900 हो गया। और इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो मेरा थ्रेडल काम नहीं कर रहा था, प्लस जो मेरा की ऑन ऑफ बटन जो है वो काम नहीं कर रहा था, उसको मिला के मेरा अप्रोक्स 1850 रुपये उसमें लग गए थे। और तीसरा जो मेरा MCB है, मैंने MCB अभी तक 3 बार चेंज करवाया। तो जो MCB का प्राइस है 400, तो 3 बार हो जाएगा आपका अप्रोक्स 1200। तो टोटल जो मेरा सर्विसिंग का इंक्लूडिंग जो मेरे इसमें पार्ट्स हुए थे, ख़राब हुए थे, तो हमारा हो गया था 3950 रुपीज़ हो गया था अब तक। मैं बता रहा हूँ 2 साल 3 महीने के बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो ये किलोमीटर चली है 9267 किलोमीटर चली है, एवरेज अभी 100 किलोमीटर का है, ठीक है। तो 100 किलोमीटर का एवरेज से, तो ये अगर आप इसको एक बार फुल चार्ज करते हैं, तो अप्रोक्स आपकी 3 यूनिट आपकी लग जाती है। तो इसका अगर मैं पूरा ही अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, तो सर्विस जो इसका चार्जेस है वो आपका हो गया 3950 रुपीज़, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। तो अब देखिए, अब मैंने बिल को कैसे निकाला, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9267 किलोमीटर चली है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 100 से, तो ये अप्रॉक्स 92 बार, मतलब कि मैंने इसको चार्ज किया है, ठीक है। तो 92 को अगर मैं करता हूँ यूनिट में, जैसे कि मैंने चार्ज किया 92 बार, तो मेरी पर जो साइकिल जो है वो चार्ज लेती है 3 यूनिट का लेती है। तो 92 × 3 आपका हो जाएगा अप्रॉक्स 276 यूनिट्स हो जाएगा। ये मैं इसको कन्वर्ट कर दिया है यूनिट में, ठीक है। तो टोटल अगर आप करोगे 276, जैसे मैं अभी फ़िलहाल दिल्ली में रह रहा हूँ, तो अप्रॉक्स वहाँ का जो पर एक यूनिट का प्राइस है 8 रुपये, तो 276 × 8 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2208 मिस 2208 रुपीज़ हो जाएगा। तो अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट करता हूँ, जैसे मेरा सर्विसिंग का जो चार्ज हुआ था 3950 और प्लस इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है मेरा आएगा 2208, तो टोटल आपका हो गया 9267। तो 9267 ये मेरा हो गया 2 साल 3 महीने का जो मैंने ओकिनावा प्रेज जो मैंने यूज़ किया है, ये टोटल उसकी कॉस्ट है, ठीक है। इसमें मैंने सब कुछ ऐड कर दिया। उसके बाद अगर वहीं अगर मैं अगर पेट्रोल से अगर करता हूँ, इसका कंपेयर करता हूँ, तो मान लीजिए मैंने एक्टिवा लिया है, 5G लिया, 5G आपको 2 साल पहले आ गया था, ठीक है। तो उसमें अगर आप जो पेट्रोल गाड़ियाँ होती हैं, उसमें आपको 3 महीने में एक बार आपको पक्का सर्विसिंग आपको करानी है। तो मैंने इसमें मिनिमम लिया, मैक्सिमम नहीं लिया, तो मैंने 5 बार किया है सर्विसिंग का चार्ज मैंने इसमें ऐड किया है। तो अगर आप एक सर्विसिंग का कॉस्ट निकालें, तो मिनिमम 500 रुपये आपको देने ही देना है, क्योंकि उसमें ऑयल और वेसिंग वेसिंग उस सबका चार्जेस वो सब ले ही लेते हैं, ठीक है। तो 5 सर्विस का हो गया 2500, और मिसलेनियस मैंने कुछ ऐड कर लिया, जैसे किसी का नट या बोल्ट कुछ टूट गया हो, तो वे सब मिला के 500 रुपये मैंने लिया इसमें, और टोटल ये आपका हो गया 3000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद जो एक्टिवा 5G वह अप्रॉक्स 55 किलोमीटर का देती है एवरेज, तो उसको अगर हम कैलकुलेट करें, क्योंकि जो पेट्रोल की जो प्राइजेस है वे अगर हम 2 साल से ऑन एन एवरेज करें, तो 70 का आप लेके चल सकते हो। तो आज की डेट में जो पेट्रोल का जो प्राइस है वह 76-77 रुपीज़ के आसपास चल रहा, तो मैंने 70 लिया, ठीक है। तो अगर मैं उसको मैं 70 से करता हूँ, उसको मैं सॉरी अगर मैं जो मेरा किलोमीटर चला है 9267 किलोमीटर को अगर मैं 55 से करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो मेरा अप्रॉक्स जो पेट्रोल है वह मेरा पेट्रोल आएगा 168 लीटर, ठीक है। तो मैंने कहा कि फिर 168 लीटर को इंटू किया मैंने 70, जो मैंने ऑन एवरेज हमने लिया था पेट्रोल का प्राइस, तो आपका हो गया 11760 रुपीज़ का हो गया, ठीक है। और अगर हम इसमें ऐड कर लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में जो कैलकुलेट किया था
सर्विसिंग का, तो वो अप्रॉक्स 3,000 था और ये आपका पेट्रोल का हो गया 11,760, तो टोटल ये आपका हो जाएगा 14,760 रुपीज़ हो गया। और वहाँ पे आपका कितना हुआ था 9,267, ये था इलेक्ट्रिक व्हीकल का 9,267 और पेट्रोल गाड़ी का आपका है 14,760। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी से 4,760 को 9,267 माइनस करते हैं तो आपने सेविंग किया है 5,493 रुपीज़ का, मतलब 5,500 का आपने अब तक आपने इसमें सेविंग कर लिया अगर आपने एक ही समय में इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गाड़ी आपने लिया होगा तो। ठीक है, तो इसमें तो मैंने जो पेट्रोल गाड़ियां हैं इसमें मैंने केवल मिनिमम डाला, और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं मैंने जो मेरी ओकिनावा प्रेज है मैंने इसमें ऑन ग्राउंड जो जो मेरा एक्सपेंड हो वो पूरा मैंने इसमें ऐड करके आपको बताया। तो आप समझ सकते हैं इसमें अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं तो उसमें एक तो आपकी पैसों की बचत है और प्लस जो पॉल्यूशन है वो भी आप काफ़ी कम कर रहे हैं, आप इंडिया को भी गो ग्रीन इंडिया की तरफ लेके आप जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा केवल मकसद यही था कि अगर आप स्कूटी लेने जा रहे हैं तो आपके पास अभी ऑप्शन दो हैं, एक इलेक्ट्रिक का और एक पेट्रोल का, तो आप अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज के समय, क्योंकि देखिए दिन पर दिन जितना पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट की भी कोई ऐसी आएगी पॉलिसी आएगी कि आप पेट्रोल गाड़ी का लिमिटेड यूज़ कर पाओगे, तो गवर्नमेंट भी चाह रही है कि जो हमारे यूजर्स हैं वो पूरे इसमें शिफ्ट हो जाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में शिफ्ट हो जाए, तो ये धीरे धीरे मतलब कि एट ए टाइम तो नहीं होगा, मतलब तो इसमें टाइम रहेगा। तो दोस्तों आई होप इस छोटे वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिली होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब करने में, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने हेल्प मिलते हैं इसमें नए अच्छे वीडियो और जानकारी के साथ, तो प्लीज़ जय हिंद वंदे मातरम।